दोस्तों साबूदाना कार्बोहाइड्रेट खनिज विटामिन कार्बोनिक यौगिक का एक बेहतर सोर्स होता है। इसमें वसा कोलेस्ट्रॉल और सोडियम की मात्रा बहुत ही कम होती है। वजन कम करने के शौकीन लोगों के लिए साबूदाना बेहद ही फायदेमंद रहता है। कई लोग इसका सेवन केवल नवरात्रि के दौरान ही करना पसंद करते हैं या फिर उपवास में करते हैं, मगर आपको बता दें कि साबूदाना आपको डेली रूटीन में खाना चाहिए। आप इसे खीर खिचड़ी या फिर दलिया के रूप में भी बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं साबूदाना के फायदों के बारे में विस्तार से। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन अप करता है और हमारे सभी हेल्थ और ब्यूटी टिप्स को देखते रहने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कई बार ज्यादा गर्म चीजें खाने की वजह से शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, ऐसे में साबूदाना की खिचड़ी खाना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। इसके सेवन से आप लाइट फील करते हैं जिससे आपका शरीर तरोताजा महसूस करता है। सेहत के साथ साथ साबूदाना चेहरे के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है। सात्विक आहार होने की वजह से इसके सेवन से आपका पेट हेल्दी फील करता है जिसका सीधा असर आपके चेहरे की चमक बताती है। इसके अलावा आप चाहें तो इसका मास्क बनाकर भी चेहरे पर लगा सकती हैं। रोस्टेड साबूदाना को कच्चे दूध में मिलाकर चेहरे पर लगाने से आपकी कई स्किन प्रॉब्लम दूर होती है। दोस्तों इसे खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं। कैल्शियम आयरन और विटामिन के से भरपूर साबूदाना खाने से आपकी हड्डियां मजबूत बनती हैं। साबूदाने के सेवन से मांसपेशी में दर्द से भी राहत मिलती है। अगर हाथ पैर में दर्द हो, गठिया की समस्या हो, अर्थराइटिस की समस्या हो और जोड़ों में दर्द की समस्या हो तो आप साबूदाना खाना शुरू कीजिए। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ और बच्चे दोनों के लिए फॉलिक एसिड बहुत ही जरूरी होता है। साबूदाना में आपको भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड मिल जाएगा, इसलिए मां बनने वाली औरत को साबूदाना खिचड़ी या फिर खीर खिलाने से बच्चे के विकास में काफी लाभ मिलेगा और बच्चा आपका हेल्दी होगा। इसके साथ ही साबूदाना प्रोटीन से भरपूर होता है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक तत्व है। जो लोग नॉनवेज खा लेते हैं उन्हें प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ती, मगर शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन युक्त साबूदाने का सेवन बहुत जरूरी है। नाश्ते में साबूदाना से तैयार दलिया खाने से आपको दिन भर के लिए उपयुक्त प्रोटीन मिल जाता है। साबूदाना दोस्तों रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने में भी मदद करता है। जिन लोगों में खून की कमी या फिर सुस्ती और थकान महसूस होती हो उन्हें साबूदाने का सेवन रूटीन में करना चाहिए। इसके अलावा भी दोस्तों साबूदाने के बहुत से फायदे हैं। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, पैरों जोड़ों में दर्द रहता हो, खून की कमी हो, आयरन की कमी हो तो साबूदाने का सेवन जरूर करें। आज इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको वीडियो ये जानकारी अच्छी लगी होगी, फायदेमंद लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जरूर शेयर करना और जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।